हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आजकल थोड़ी बिजी चल रही हूँ, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या क्या है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, आज हमारा वेलफेयर है और वेलफेयर रहता है ना तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है जाने की, कि हाँ हमें जाना है, तैयार होके जाना है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब हम औरतों को ना मतलब एक मौका मिल जाता है सब लोगों से मिलने का। सब लोगों से तो हम ऐसे भी ग्राउंड में मिलते रहते हैं, लेकिन वेलफेयर में सारे ही हर जगह से आते हैं। मैम लोग आते हैं तो मैम लोगों से थोड़ी बातें हो जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। चाय पकौड़े खाने को मिल जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, जब पता चलता है कि हाँ वेलफेयर में जाना है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ। आज कुछ कंपटीशन भी है। मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, स्वीट्स बनाना था तो स्वीट्स मुझे लगा कि पता ना सब वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा बना के लाएंगे तो मैं नहीं कर पाती शायद, तो इस वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मतलब हाँ मेरे से पूछा गया कि आप लोगे क्या, तो मैंने बोल दिया कि नहीं अभी। तो फिर मुझे बोला गया, मतलब MC यहाँ बोलते हैं, MC नहीं मतलब एंकरिंग बोल सकते हैं हम, एंकरिंग करने को। तो वो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हूँ तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैम से भी, CEO मैम से भी मैं मिली नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी, कोई तैयारी भी नहीं था। अचानक से रात को सर का कॉल है कि करना है, तो मैं बोली कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम भले ही कर दूँगी लेकिन इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है तो इस बार मैंने नहीं किया। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम मेरा ही नंबर रहेगा करने का, जो भी एंकरिंग वगैरह होता है। तो चलिए अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये सूट मेरा ऊपर ही था, मैं अभी दो तीन दिन नहीं एक हफ्ते पहले एक बर्थडे था तो वहाँ पे पहन के गई थी, तो पड़ा हुआ था ऊपर ही, तो मैंने यही पहन लिया। क्योंकि ना सारा ही मेरा सामान अभी फिर से फैल चुका है शिफ्टिंग के चक्कर में, तो कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मैंने सूट ऊपर ही देख लिया तो मैं यही पहन के चली गई। तो देख सकते हैं मेरी तैयारी, पीछे अभी बहुत ही फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है पीछे का बैकग्राउंड, आप लोग इग्नोर करना। सब लोग चले गए हैं स्माइली स्कूल और हम वेलफेयर में जा रहे हैं फौजी साहब ड्यूटी, उसके बाद आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैं पहले आ जाती हूँ कि स्माइली पहले आती है, फिर दिखाते हैं आपको आके, ठीक है। हे गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं वेलफेयर में और देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेशन है, मुझे ना बड़ा अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। और इधर अभी स्वीट्स कंपटीशन होगा, तो जो भी घर से बना के लेके गए हैं सब लोग, तो वो अपना यहाँ डेकोरेट करेंगे, सजा के रख देंगे, फिर मैम आएंगे तो टेस्ट करेंगे। और प्राइजेज भी होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ तो मैं आपको बता दूँ कि सबको ही प्राइज मिला, मैम इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो बोल रहे हैं कि यार सारे ने ही मेहनत किया है, सबकी मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी है तो सबको ही प्राइज मिलना चाहिए। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड था, लेकिन अभी लास्ट में मैम ने बोला कि नहीं सबके लिए मंगवाओ, तो फिर जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था सबको ही गिफ्ट आया, सबको ही गिफ्ट मिला। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब कुछ भी हम छोटा मोटा गेम होता है, कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें प्राइजेज मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है सच में। कब आया? रूम से आई थी, यहाँ से आई थी। क्या कर रहा था बच्चा? आज खेलने लगा। साइकिल निकाल के खेलने लग गया बच्चा। हाँ। अच्छा थी। कितनी देर लग गई थी? हाँ। चलो घर चलो। मैं वेलफेयर से घर आई तो स्माइली आ चुकी थी और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी उधर वेलफेयर में, टाइम देख देख के बार बार देख रही थी कि अरे स्माइली घर पे आ जाएगी। मतलब मुझे लग रहा है आधे ही एक घंटा हम लोग लेट हो गए थे उधर, काफ़ी टाइम लग गया वेलफेयर में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, भाग भाग के आई घर के, स्माइली तो रो रही होगी, रूम लॉक होगा तो सोचे कि मम्मा कहाँ चली गई। लेकिन जब यहाँ आई तो देख रही हूँ मैडम ये तो मज़े में ऐस कर रही हैं, अपने न्यू साइकिल के साथ मज़े कर रही हैं और ये इनके फ्रेंड के साथ खूब मज़े कर रही थी, कोई टेंशन नहीं थी इसको। हे गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, ये सब देख सकते हैं पैकिंग खाली चल रही है, ये इतने 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 ऐसे ऐसे में। और मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, फिर मुझे खाना वाना भी बनाना है, तो खाना बना के फिर चेंज करके और वहाँ उस रूम में सोच रही हूँ जाऊँगी मैं। लाइट इधर से आ रहा है,
उस रूम में जाऊंगी ना, एक बेडरूम का कवर वगैरह थोड़ा साफ करके आऊंगी ताकि कुछ सामान उसमें एडजस्ट कर पाऊँ। मैं सोच रही हूँ 2 दिन में बिल्कुल लग के और शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि दिवाली से पहले फिर हम दिवाली की पूजा उसी रूम में करेंगे। तो देखती हूँ, अगर जाऊँगी उधर सफाई करूँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी पहले खाना बना लेती हूँ, ठीक है। सुबह में वैसे मैं भुजिया वुजिया बना के गई थी, और अभी मुझे चावल दाल वगैरह बनाना है तो वो बना लेती हूँ, खा लेंगे और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर उस क्वार्टर में जाऊँगी तो सफाई करूँगी तो ठीक है, और भी क्या क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ। स्माइली आज मेरे से पहले ही आ गई थी, मुझे पता था क्योंकि वहाँ पर बहुत लेट हो गया। जो हमारी CEO मैम है ना, वो मतलब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सबसे बात करने वाली हैं, और बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल था उनके साथ, एकदम हंसी मजाक, सबसे क्वेश्चन करना, पूछना उनके बारे में, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ का। बाकी और भी जो भी है मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। बाकी जो चीज़ नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, जो नियम है वो है, जितना हो पाता है मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ, पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद उस क्वार्टर में जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। हे गाइस, ये वीडियो ना नेक्स्ट डे की है। मैं पिछले वाले में मतलब ब्लॉग आगे का सूट नहीं कर पाई थी, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इतने काम होते हैं कि फ़ोन फिर याद नहीं आता है कि मुझे सूट करना है या फिर कुछ भी जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अभी हूँ मैं किचन में और मैं बनाने वाली हूँ खीर, तो उसी के लिए इतने सारे मैं दूध डाल रही हूँ। पहले खौलाऊँगी, फिर उसको मैं पूरा जला जला के खीर बनाती हूँ, आप लोगों को बताया है मैंने। और ये अलग से दूध मैंने निकाल लिया था उसमें खौला के, इसको पीने के लिए मैं और स्माइली पी लेंगे, तो वही मैं ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डाल के खौलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पहले मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसके बाद इसको मिक्स करके हम लोग पी लेंगे। और अभी बनाने वाली हूँ मैं नाश्ते में सैंडविच, बिकॉज सैंडविच बनाना थोड़ा आसान होता है और अच्छे से खा भी लेते हैं, स्माइली भी खा लेती है मैं भी। तो ये तैयार हो चुका है मेरा सैंडविच, अभी हम खा लेंगे उसके बाद आगे के काम। अभी हो चुका है रात और ये देखिए आ चुका है हमारा चिकन फ्राई, काफ़ी दिन से खाया नहीं था, नवरात्रि के बाद खाया ही नहीं था। स्माइली बोल रही थी डैडा मुझे चिकन खाना है, तो फौजी साहब लेके आ गए। तो आज डैडा की पार्टी है, डैडा नहीं खाएंगे तो सारा हमें फिनिश करना है। ये 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 स्माइली का फेवरेट KFC। आपका भी फेवरेट तो है। हाँ मेरा भी है, पर सामने तो ब्रायन खाता है। चीयर्स। चीयर्स। खा ले। आज पता है फौजी साहब का पार्टी है, तो वो लेके आ गए कि तुम लोग ये खा लेना, हम पार्टी में जा रहे हैं, तो हमें तो मज़े ही आ गए। ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये आ गया। दरगो दादी थी तो फोन कर रहे हैं, आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी। नहीं फिर दादी को कैसे पता था उनको KFC लाना है? डैडा गए अपने कॉम्प्लेक्स गए, तो सोचा कि स्माइलो खाती है, स्माइलो की मम्मा खाती है, तो लेके चलते हैं KFC। हे गाइस, तो देख सकते हैं ये इतना सामान अभी आ गया है और अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है। बाप रे, यार मैं सोच रही हूँ कैसे एडजस्ट करूंगी इतने सारे सामान को। स्माइली मम्मा की हेल्प करवाएगी ना? कैसे करवाएगी? इधर भी अभी बॉक्स वगैरह इधर भी पड़े हुए हैं, ये बॉक्स इधर है, इसमें सामान है। स्माइली आवाज नहीं करना।
अभी ये वाली एक बोरी मैं खाली करके ले जाऊंगी ताकि सामान भर के फिर हम लाएंगे।